नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं। इस कहानी को समझने के लिए सारे कैरेक्टर के आपसी रिश्ते को समझना बहुत जरूरी है। इस कहानी के सारे कैरेक्टर एक ही फैमिली थॉमस फैमिली के हैं। केरल के काजीकोड शहर में, जिसे कालीकट के नाम से भी जाना जाता है, में एक क्रिश्चियन परिवार कई दशकों से रह रहा है। ये है थॉमस फैमिली। इस फैमिली का सबसे छोटा बेटा यूएसए में काफी सालों से सेटल था, परंतु 2018 में ये बेटा रोजू थॉमस इंडिया वापस आता है। रोजू की माँ अनम्मा की मौत 2002, बाप टॉम की मौत 2008 और बड़े भाई रॉय की मौत 2011 में हो चुकी थी। इनमें से माँ और बाप की मौत हार्ट अटैक तथा भाई की मौत साइनाइड खाकर खुदकुशी के कारण हुई। भाई रॉय की लाश बाथरूम में मिली और बाथरूम का दरवाजा अंदर से ही बंद था। रॉय की ऑटोप्सी रिपोर्ट में उसके शरीर में साइनाइड की मौजूदगी का पता चला। पुलिस ने इसे सुसाइड घोषित कर दिया। फिर 2014 में रोजू के मामा यानी अनम्मा के भाई मैथ्यू की भी मौत हो जाती है। इसके बाद रोजू की विधवा भाभी जॉली ने 2017 में दूसरी शादी कर ली। इस दूसरी शादी से कुछ समय पहले ही जॉली ने एक नई वसीयत फैमिली के सामने रखी, जिसमें रोजू के पिताजी टॉम ने सारी जायदाद जॉली के नाम कर दी थी। टॉम की मौत 2008 में हो चुकी थी और इतने सालों बाद उनकी वसीयत के सामने आने से रोजू को शक हुआ और वो तुरंत यूएसए से इंडिया चला आया। जॉली ने 2017 में दूसरी शादी रोजू के ही रिश्तेदार शाजू से करी। यहाँ डाउट बढ़ाने वाली एक बात और हुई। शाजू की पहली बीवी की मौत 2016 में हुई थी और शाजू की 2 साल की बच्ची की मौत 2014 में। इतनी सारी मौत ने कहीं आपको कंफ्यूज तो नहीं कर दिया? एक बार फिर से मौत की टाइमलाइन और मरने वाले का नाम तथा रिश्ता फिर से ध्यान से सुनिए। 2002 में माताजी अनम्मा की मौत, 2008 में पिताजी टॉम की मौत, 2011 में उनके बड़े बेटे रॉय की मौत और रॉय की ही बीवी थी जॉली, 2014 में रॉय के मामा मैथ्यू की मौत। इसके बाद जॉली के दूसरे पति शाजू की 2 साल की बेटी और पत्नी की मौत 2014 और 2016 में होती है। ये सब मौत के पीछे कोई बीमारी वजह नहीं थी, सब अपनी मौत से कुछ घंटों पहले तक हंस खेल रहे थे। इतनी सारी मौत और ये नई वसीयत ने यूएसए रिटर्न रोजू के दिमाग में भाभी जॉली के खिलाफ शक डाल दिया। रोजू 2019 में पुलिस के पास गया और कहा कि उसकी भाभी जॉली ने ही उसके माँ बाप और भाई की हत्या करी है ताकि वो थॉमस परिवार की जायदाद हड़प सके। वैसे तो पुलिस इस तरह के सालों पुरानी हुई मौत पे मर्डर के क्लेम को तुरंत रिजेक्ट कर देती है, परंतु रोजू यूएसए रिटर्न था इसलिए पुलिस ने शुरुआती छानबीन करी। पुलिस ने जॉली के पहले और दूसरे दोनों पतियों के परिवार वालों से बात करी। तब एक चौंकाने वाली बात सामने आई। दोनों फैमिली में हुई 6 मौत के समय जॉली उसी घर में मौजूद थी। उसके पहले पति के घर में हुई 4 मौत में उसके मौजूद होने का कारण तो फिर भी समझ आता है, परंतु दूसरे पति की पहली बीवी और उसकी बेटी की मौत के समय जॉली का मौजूद होना पुलिस को खटक गया। पुलिस जॉली और उसके दूसरे पति शाजू से हफ्तों पूछताछ करती है और इस पूछताछ में जॉली के कई झूठ सामने आते हैं। जॉली ने बताया था कि वो एनआईटी कालीकट में प्रोफेसर है। एनआईटी कालीकट इंडिया का प्रीमियम इंजीनियरिंग कॉलेज है। जॉली के पास एनआईटी का आईडी कार्ड और बाकी कागजात भी थे। पूरी फैमिली ने भी कहा कि जॉली 15 साल से रोज सुबह एनआईटी कालीकट पढ़ाने जाती है और देर रात तक वापस आती है। परंतु जब पुलिस एनआईटी कालीकट गई तब पता चला कि उनके रिकॉर्ड में तो कभी कोई जॉली थॉमस थी ही नहीं। आईडी और कागजात नकली निकले। जॉली ने एनआईटी के पास ही एक फ्लैट ले रखा था जिसमें वो जाया करती और जब भी कोई उसका पहचान वाला उससे मिलने जाता तो वो उसको एनआईटी के कैंपस के अंदर मिलती, इसलिए कभी किसी को कोई शक ना हुआ। ये फ्लैट
उसकी अय्याशियों का अड्डा था। अपने नाम के अनुसार ही वो काफी जॉली और रंगीन मिजाज लड़की थी। अब पुलिस के पास बहुत रीजन थे जॉली को गिरफ्तार और दबाव बनाकर पूछताछ करने के। रोजो के भाई रॉय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के पास थी, जिसमें साइनाइड की मौजूदगी की बात लिखी थी। तो ऑब्वियसली पहले पुलिस को यह पता करना था कि बाकी मरने वालों के शरीर में भी साइनाइड मौजूद था या नहीं। अब यहां पुलिस के लिए थॉमस परिवार का क्रिश्चियन होना बहुत फायदेमंद साबित हुआ। ईसाई धर्म में मरने वाले की लाश को दफनाया जाता है और मिट्टी में दफन लाश का कुछ न कुछ हिस्सा जमीन में सालों बाद भी मौजूद रहता है। थॉमस परिवार ने पास के ही एक कब्रिस्तान में कुछ जमीन का हिस्सा अपने घर में मरने वालों को दफनाने के लिए बुक करा हुआ था। इसी में थॉमस परिवार से मरने वालों की लाश दफन दी। पुलिस ने कोर्ट से आदेश प्राप्त करके सारी 6 लाश कब्र से निकाली। उनके मेडिकल और फॉरेंसिक जांच होती है। सबके मरने का रीजन साइनाइड था। अब जॉली पूरी तरह फंस गई थी और लगातार पुलिस के दबाव से वो टूटने भी लगी थी। उसने सब कबूल कर लिया और पिछले 20 साल का पूरा घटनाक्रम कुछ इस प्रकार बताया। 1998, जॉली की रॉय से शादी हुई। वो जब ससुराल आई तो उसने देखा कि थॉमस परिवार के सारे फैसले, चाहे वो फाइनेंशियल हो या रोजमर्रा के बाकी फैसले, सब रॉय की माताजी आनम्मा के कहने पर ही होते हैं। पूरे घर में एक तरह से उनका ही राज चलता था। जॉली को लगा कि ये पावर उसके पास होनी चाहिए। थॉमस परिवार के पास काफी जायदाद भी थी और ये पूरी प्रॉपर्टी जॉली को हथियानी थी। 2002 में जॉली ने मटन सूप में साइनाइड मिलाकर आनम्मा को दे दिया, जिसे पीते ही उनकी मौत हो गई। वो अचानक से मरी थी, परंतु घर वालों को कोई शक ना हुआ और उनकी मौत हार्ट अटैक मान ली गई। माताजी आनम्मा की मौत के बाद भी जॉली को सारी पावर ना मिली। अब पिताजी टॉम सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने 2008 में फैसला लिया कि जायदाद को वो अपने बेटों में बराबर बराबर बांट देंगे। जॉली को ये बात बिल्कुल भी मंजूर न थी। वसीयत लिखे जाने से पहले ही उसने टॉम को भी मारने का प्लान बनाया। उनको भी जॉली ने खाने में ही साइनाइड देकर मार दिया। फिर से घर वालों को कोई शक ना हुआ और इस मौत को भी हार्ट अटैक का नाम दे दिया गया। 2011 में जॉली को अपने एक दोस्त जॉनसन से प्यार हो जाता है। जॉनसन की शादी हो चुकी थी, परंतु फिर भी जॉली उसके साथ शादी करना चाहती थी। जॉली ने पहले अपने पति रॉय को खाने में साइनाइड देकर मार दिया और फिर उसने जॉनसन की वाइफ को भी मारने का प्लान बनाया, परंतु जॉनसन की वाइफ को मारने में वो सफल ना हो सकी। और साथ ही साथ रॉय की मौत के समय रॉय के मामा जी मैथ्यू को कुछ शक हुआ। एक नौजवान लड़की का ऐसे अचानक मरना उसे सही ना लगा। रॉय की मौत बाथरूम में हुई थी और उस बाथरूम में अंदर से कुंडी लगी हुई थी। मामा जी मैथ्यू ने रॉय की लाश का जॉली की इच्छा के खिलाफ जाके पोस्टमार्टम करवाया और रॉय के जिस्म में साइनाइड की मौजूदगी की बात सामने आई, परंतु पुलिस ने अंदर से बंद दरवाजे को देखते हुए रॉय की मौत को सुसाइड डिक्लेयर कर दिया। परंतु यह घटना से जॉली सचेत हो गई। उसे समझ आ गया था कि मामा जी मैथ्यू उसके लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं। इसलिए 2014 में जॉली का अगला शिकार मामा मैथ्यू बने। उनको जॉली ने दारू में साइनाइड मिला कर दिया। नशे में ही उनकी मौत हुई। घर वालों को लगा कि ये ड्रग ओवरड्यूज का मामला है और ये बात भी पुलिस तक ना पहुंची। एनआईटी कालीकट के नाम पर जॉली की अय्याशियां चल रही थी। जॉली का मन दूसरी शादी का भी हुआ और साथ ही साथ उसकी नजर अपने पहले पति रॉय के चाचा की जायदाद पर थी। रॉय के चाचा जी का बेटा था शाजू। शाजू एक शादीशुदा इंसान था जिसका एक बेटा 12 साल का और दूसरी बेटी 2 साल की थी।
जॉली को शाजू से शादी करने के लिए वैसे तो बस उसकी बीवी को ही मारना था, परंतु जॉली नहीं चाहती थी कि उसके ऊपर 2 साल की बच्ची की जिम्मेदारी आए। इसलिए पहले जॉली ने 2 साल की बच्ची को दूध में साइनाइड देकर मारा, फिर उसके बाद बच्ची की मां को पानी में साइनाइड मिलाकर पिला दिया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जैसी जैसी बातें सामने आई हैं, उसके हिसाब से पुलिस का मानना है कि जॉली अपने दूसरे पति शाजू को भी जल्द ही मारने वाली थी और फिर से पुराने प्रेमी जॉनसन से शादी करने की कोशिश करने वाली थी। अब बात उठती है कि जॉली को इतनी आसानी से साइनाइड मिलता कहां से था। साइनाइड का इस्तेमाल गोल्ड की ज्वेलरी को चमकाने के लिए किया जाता है। इस वजह से साइनाइड सोना चांदी का काम करने वाले जौहरियों के पास हमेशा उपलब्ध होता है। ऐसे ही एक गोल्ड के व्यापारी से जॉली का संबंध था, जिससे उसे साइनाइड आसानी से मिल जाता। पुलिस ने उस जौहरी और उसके नौकर को भी इस केस में मुजरिम बनाया है। ये मामला अक्टूबर 2019 में सामने आया और उसके बाद से ही ये तीनों जेल में हैं। पुलिस और कोर्ट अपना काम कर रही है। फरवरी 2020 में जॉली ने जेल में ही अपना हाथ की नस काट कर सुसाइड का अटेम्प्ट किया था, परंतु घाव गहरा ना होने के कारण वो बच गई। तो ये थी आज की कहानी। इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।